आज हम बात करेंगे हमारे यूथ के बारे में, हमारा जनरेशन जेड। जब से इंटरनेट आया है तब से अपॉर्चुनिटीज सबके लिए खुल गई है और बच्चे एक दूसरे को देख रहे हैं, जो टीनेजर्स हैं जो एक दूसरे को देख के सीख रहे हैं और इंटरनेट के माध्यम से लोग एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ रहे हैं। और देखा जाए तो आपको हर एक जगह कोई ना कोई बच्चा जरूर दिखेगा कुछ ना कुछ करते हुए। बहुत कम उम्र में बहुत लोगों ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है और यही बच्चे हैं कल आगे चल के हमारा फ्यूचर बनेंगे। आज हम इस वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे, कैसे आज का जमाना जो बच्चों के लिए है क्या कर रहे हैं, आखिर कौन कौन सी चीजें जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं। इंटरनेट पे देखा जाए तो यूथ बहुत तरीके से उपयोग करता है। वो अपनी ब्लॉग चैनल बनाता है जहां पर वो अपने बारे में लिखता है, अपना क्या किया किसी चीज के ऊपर लिखता है, राइटिंग करता है, उसका खुद का वेबसाइट होता है। वो वेबसाइट को यूज करके वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है या अपना कुछ जो उसके लाइफ में हुआ आसपास हुआ शेयर करता है, वो टिप्स शेयर करता है। वेबसाइट भी एक मीडियम बन चुका है जो बच्चे बना के और उस पर अपने कंटेंट अपलोड करके पैसे कमाते हैं। और देखा जाए तो YouTube वीडियोस हमारा सबसे बेहतरीन जरिया है जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करने का। कहीं कहीं पर हम अपने नॉर्मल फोन से वीडियो बना के अच्छे खासे व्यूज ला सकते हैं और आजकल के बच्चों के पास इतना अच्छा आइडिया है कि वो कुछ ना कुछ अलग कर रहे हैं और इस फील्ड में बहुत लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं या इंटरटेन कर रहे हैं या कुछ ना कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और तीसरा होता है गेमिंग। अगर इंटरनेट का जमाना आगे अब बढ़ा है तो गेमिंग का भी उसको जरिया मिलना चाहिए। ई स्पोर्ट्स कुछ सालों से बहुत आगे आ रहे हैं, लोगों को गेमिंग अच्छे लग रहे हैं, चाहे वो पबजी हो, चाहे वो वैलोरेंट हो या कोई BGMI हो, फ्री फायर हो, सब गेम खेलना चाहते हैं। लेकिन अब गेम खेलते खेलते कभी आपने सोचा कि पैसे भी कमा सकते हैं? तो हाँ, गेम खेलते खेलते अब पैसे लोग कमा रहे हैं, मिलियंस कमा रहे हैं, बिलियंस कमा रहे हैं, बहुत पैसे आ रहे हैं गेमिंग की वजह से और गेमिंग इंडस्ट्री आगे चल के बहुत आगे बढ़ने वाली है। तो जैसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, वर्चुअल होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, गेम खेलते हैं और पैसे कमाते हैं। लोग ऐप बना रहे हैं, कोई गेमिंग ऐप्स बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्टूडेंट जो यूथ है हमारे वो कम उम्र में ये बहुत सारे ऐप बना रहे हैं जो एक दूसरे को हेल्प कर सके। कोई ऐसा ऐप बना रहे हैं कि ये काम आसानी से हो सके, जैसे Zomato देख लो, आपकी आपको डिलीवरी आसान कर देता है, आपके लिए डिलीवरी घर बैठ कर ऑर्डर करो मिल जाएगा। Myntra देखो, आप एक बार ऑनलाइन ऑर्डर करो आपके घर पे आ जाएगा। Facebook की वजह से आप किसी से कहीं पर भी बैठ के चैट कर सकते हो। ऐसे जो हमारे ऐप्स हैं, जो गेम्स हैं, जैसे फ्री फायर ले लो, ये पबजी ले लो, ये सब ऐप्स हैं, हम कोडिंग करके हम प्रोग्रामिंग करके ये ऐप बना सकते हैं। इंटरनेट तो है, लेकिन कभी आपने सोचा कि जो ऑफलाइन की दुनिया में वहां पर लोग या बच्चे या यूथ कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सबसे बढ़िया तरीका आपको बताऊं तो अपना बुक लिख के। पहले बुक्स कौन लिखता था? कुछ लोग जिनकी उम्र 30 साल 40 साल या उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है या किसी को स्टोरीज लिखना है। लेकिन आज के यूथ जो है इतने नॉलेजेबल है, इतने केपेबल है कि वो अपने खुद की बुक लिख रहे हैं। जब से ई बुक आया हम अपने लैपटॉप में बैठ के पूरा बुक लिख सकते हैं और इसका सेल करके अच्छी तरीके से पैसे भी कमा सकते हैं इतने कम उम्र में और खुद के एक्सपीरियंस और खुद के नॉलेज दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। अगर देखा जाए आज के जमाने में तो जो यूथ है हमारा वो बिजनेस को लेकर, स्टार्टअप्स को लेकर इतना एनर्जेटिक है कि वो कुछ ना कुछ करना चाहता है। सोचो वो बच्चे के बारे में जो अभी स्कूल से निकला है, स्कूल के पढ़ाई करके लौटा है, उसको छुट्टी मिला, वो छुट्टी में अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया और बिजनेस शुरू करके बहुत लोग पैसे कमा रहे हैं। ऐसा नहीं किसी बिजनेस स्टार्ट करके लॉस हो रहा है, उनको ज्यादा सैलरी मिल रहा है। लेकिन अब की यूथ देखो ना, बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो आगे आ रहे हैं, खुद के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ आइडियाज ले आ रहे हैं या सोशल एंटरप्रेनर्स हैं जो सोशली कुछ काम कर रहे हैं और बच्चों को, स्टूडेंट्स को इंडिया में रह के इंडिया में अच्छी सैलरीज दे रहे हैं, अच्छा नया जॉब क्रिएट कर रहे हैं और नया इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ताकि एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, ना कि एक दूसरे की टांग खींच के उसको पीछे लें। क्योंकि हमको पता है अगर हमें कुछ अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें एक दूसरे के साथ ही करना पड़ेगा। होप आप सबको ये अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।